स्वस्थ रहने के लिए शरीर को हाइड्रेटेड रखना महत्वपूर्ण चीजों में से एक है, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता कि गर्म पानी पीने से शरीर और त्वचा को और भी कई फायदे मिल सकते हैं। एक स्टडी में मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि पानी शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है, खासकर अगर इसे गर्म या फिर सही तापमान पर पिया जाए। हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर के 60% हिस्से में पानी होता है और शरीर को फ्यूल देने, ऊर्जा बनाने के लिए पानी का सेवन करना महत्वपूर्ण है। डॉक्टर्स आपके शरीर की जरूरतों के आधार पर हर दिन 11 से 16 गिलास पानी पीने की सलाह देते हैं, जबकि हम में से ज्यादातर ठंडा पानी पीते हैं। आयुर्वेदा इसके बजाय गर्म पानी पीने की सलाह देते हैं। क्या होगा अगर आप रोज गर्म पानी पिएंगे? पानी हमारे मेटाबॉलिज्म फंक्शन को इम्प्रूव करता है। पानी हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन क्या होगा अगर हम रोजाना गर्म पानी पिए? कहा जाता है कि रोजाना 6 से 8 गिलास पानी, क्योंकि इससे बॉडी हाइड्रेटेड रहती है। बट क्या वो पानी ठंडा होना चाहिए या गर्म? सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या होगा अगर हम रोजाना गर्म पानी पिए, इसके क्या क्या फायदे या फिर नुकसान हो सकता है। सो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले नीचे लाल बटन को प्रेस कर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम कनेक्टेड रह सकें। पहला है डाइजेशन। गर्मियों के दिन लोग आमतौर पर खाना खाने के बाद ठंडा पानी पीते हैं, लेकिन ठंडा पानी हमारे इंटेस्टाइन के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो खाने में प्रेजेंट ऑयल को हार्ड करते हैं, जिससे बॉडी में फैट स्टोर होता है एंड इससे आपको वेट भी गेन होता है। लेकिन अगर आप खाना खाने के बाद हॉट या फिर वार्म वाटर पियेंगे तो ये आपको मदद कर सकता है आपके डाइजेशन के प्रोसेस को इम्प्रूव करने में, और साथ ही कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम भी नहीं होती एंड आपकी बाउल मूवमेंट भी अच्छी बनी रहती है। सो खाना खाने के आधे घंटे बाद गर्म या फिर नेचुरल तापमान में जो पानी होता है उसे पिए, ठंडे पानी को अवॉइड करें। अगला है वेट लॉस। अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हो तो हॉट वाटर आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि गर्म पानी पीने से आपका अगेन मेटाबॉलिज्म हेल्दी तो रहता ही है एंड अगर आपका मेटाबॉलिज्म हेल्दी होगा तो आप ज्यादा कैलोरीज को बर्न कर पाएंगे, जिससे आप वेट लॉस कर पाएंगे। और इतना ही नहीं, हॉट वाटर हेल्प करता है फैट डिपॉजिट को बॉडी से रिमूव करने में। ऑफ कोर्स वेट लॉस करने के लिए कम कैलोरीज को कंज्यूम करना होता है और ज्यादा कैलोरीज को बर्न करना होता है, जो कि एक बेसिक प्रोटोकॉल है वेट लॉस करने का। लेकिन अगर आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो ये आपको हेल्प करेगा कैलोरीज को बर्न करने में, एंड वहीं आपने कैलोरी डेफिशिएट क्रिएट किया होगा, जिससे आप अगेन वेट लॉस कर पाएंगे और अपनी बॉडी से स्टोर्ड फैट को खत्म कर पाएंगे। सो अगर आप गर्म पानी को रूटीन में ऐड करते हैं तो ये हेल्प करता है कैलोरीज को बर्न करने में बाय इंप्रूविंग द मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट है थ्रोट को क्लियर रखता है एंड साथ ही स्किन को भी अच्छा रखने में मदद करता है। गर्म पानी एक बहुत ही अच्छा होम रेमेडी है फ्लू से ओवरकम करने में। हमने सुना होगा हमारे पूर्वज, जब भी हमें जुखाम होता है या फिर हमारा गला खराब होता है तो हमें सलाह दी जाती है कि गर्म पानी पिए। ऐसे ही अगर आपको जुखाम या फिर गले में खराश जैसी प्रॉब्लम होती है तो आप गर्म पानी को पिए। गर्म पानी फ्लेम और म्यूकस को डिसॉल्व करने में हेल्प करता है एंड उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलीज करने में भी मदद करता है। इसलिए हॉट वाटर एक बहुत ही अच्छा रेमेडी है फ्लू से ओवरकम करने के लिए एंड साथ ही अपने थ्रोट को क्लियर रखने में। सो आप अपनी रूटीन में गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपके थ्रोट को क्लियर करने में और साथ ही स्किन को अच्छा रखने में डेफिनेटली हेल्प करता है। चौथा जो सबसे बड़ा फायदा है वो लेडीज को पीरियड्स के दौरान कर सकता है। गर्म पानी पीने का फायदा फीमेल्स को होने वाले मेंसुरेशन में पेट दर्द से दूर करने में मदद कर सकता है। पीरियड्स के पहले दिन कई लेडीज को अक्सर पेट दर्द की शिकायत रहती है एंड गर्म पानी का सेवन से इनको ठीक किया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गर्म पानी दर्द को कम करने में मदद करता है। सो फीमेल अगर अपने पीरियड्स के दौरान गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगी, देन इट कैन हेल्प टू ओवरकम फ्रॉम द पेन ड्यूरिंग पीरियड्स। अगला है टॉक्सिन्स को खत्म करता है। बाहर होने वाला पोल्यूशन हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स के रूप में एंटर करता है, या फिर जो खाना हम खा रहे हैं वो कैसे बना है, उसको बनाने में कैसे केमिकल का इस्तेमाल हुआ है, जो फ्रूट्स हम खा रहे हैं क्या वो अच्छे से धोकर खा रहे हैं, ऐसे में हमारी बॉडी में बहुत से टॉक्सिन्स जाते हैं। तो उन टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए या बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में गर्म पानी काफी अहम रोल प्ले करता है। जब हम गर्म पानी पीते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेज होता है, जिससे एंडोक्राइन सिस्टम एक्टिवेट होता है एंड हमें पसीना आने लगता है, और ऐसे में वो बैड टॉक्सिन्स हमारी बॉडी से बाहर आते हैं। सो इसलिए हमें हॉट वाटर अपनी रूटीन में जरूर ऐड करना चाहिए,
क्योंकि ये मदद करता है बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में। लास्ट है गुड फॉर सेंसिटिव टीथ एंड कैविटीज। जिन लोगों को दांतों में कैविटी या फिर सेंसिटिविटी होती है, डॉक्टर उन्हें ठंडा पानी पीने की सलाह नहीं देते क्योंकि ये दांतों को नुकसान पहुंचा सकता है। कुछ केसेस में ठंडा पानी दांतों की फिलिंग को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में डॉक्टर गर्म पानी पीने की एडवाइस देते हैं क्योंकि इसमें एक सुरक्षित तापमान होता है और दांतों को आराम पहुंचाता है। इसलिए अगर आपको सेंसिटिविटी या फिर कैविटी है तो आप हॉट या फिर नॉर्मल टेम्परेचर के वाटर का इस्तेमाल करें, ठंडे पानी का इस्तेमाल ना करें। सो आप भी एक रूटीन बनाएं जिसमें हॉट वाटर को अपनी रूटीन में जरूर ऐड करें ताकि पानी से मिलने वाले ये सभी फायदे आप भी ले सकें। सो ये थी एक छोटी सी वीडियो अबाउट यूज ऑफ हॉट वाटर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक किए बिना मत जाना, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।